रायपुर शहर के इतिहास में पहली बार रविवार को रायपुर के सभी जैन मंदिरों ने मिलकर एक साथ सामूहिक रूप से क्षमावाणी पर्व मनाया। जैन धर्म में पर्वराज पर्युषण के पश्चात आत्मशुद्धि के अवसर पर सभी लोग एक दूसरे से गत वर्ष में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सामूहिक क्षमावाणी पर्व पर सभी ने एक दूसरे से क्षमा याचना की। सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव में सबसे पहले भक्तामर स्त्रोत का पाठ किया गया। शहर के सभी मंदिरों की महिला समिति की ओर से धर्ममय व शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसमें शंकर नगर और कचना जैन मंदिर की ओर से तत्वों में जैनत्व, लाभंडी मंदिर की ओर भक्तामर की महिमा, मालवीय रोड जैन मंदिर की ओर से किसका है कसूर जैसे विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। क्षमावाणी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत शामिल हुए। वैसे जैन शास्त्रों में क्षमावाणी का पर्व एक वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ताकि हम अपनी गिली शिकवी दूर कर सकें। लेकिन रायपुर के इतिहास में क्षमावाणी अपने आप में एकदम असाधारण है। कारण ये है कि इस बार वो पूरे रायपुर समाज की एक सामूहिक क्षमावाणी है, जो इसके पहले कभी नहीं हुई है। तो ये रायपुर के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। और इससे भी एक आगे का स्टेप ये है कि हम लोग जो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं 17 अक्टूबर को, तो उस प्रोग्राम की ये प्री रिहर्सल जैसा है, एक डेमो है। तो हम लोग 17 अक्टूबर को जो एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, एक तरह से आमंत्रण है ये।